दुनिया के लोग चाहे जो अड़ोस पड़ोस वाले धमकी दे दिया करते थे, आज उनकी हालत क्या है खुलने वाला नहीं है। हालत यह है कि मेड इन चाइना का नाम देकर के लोग सामान को फेंक रहे और किसान भाई आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं, तो आप अन्न उपजाते हैं, खेत के अंदर अनाज पैदा करते हैं। अगर यहाँ पर टाटा करता है तो उसकी रेट उसको तय करने का अधिकार नहीं है। मोदी जी उस रेट को किसान को देना चाहते हैं कि तुम्हारी मर्जी जिस भाव बेचो, तुम्हारी मर्जी जहाँ जाकर के बेचो, भाव बेचो। तो अब केवल एक ही काम है छोटा सा कि भागीरथ जी के ऊपर, इनके निशान के ऊपर एक थप्पा लगा देना। ये अधिकार इस बार आपको मिलेगा, खुला मिलेगा। किसानों के आप और हम नहीं जानते हैं। नाच गाने का सिलसिला दिन भर चलता रहा और एक दूसरे को गुलाल लगा कर होली खेली। लोगों ने डीजे बजा कर जमकर दान किया और होली के मजे लिए। रंगों का त्योहार होली यहाँ पर मौजूद है, कहीं ना कहीं बड़ी शान शौकत के साथ मनाई गई। किस तरह डीजे पर डांस करते हुए पूरा शहर सहित अन्य मोहल्लों गली मोहल्लों में भी इस तरह की रौनक देखने को मिली। आप देख सकते हैं किस तरह एक दूसरे को गुलाल लगा लगा कर होली की मजे लेकर डांस किया जा रहा है और होली बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है जो ऊंचे से एक साधारण कार्यकर्ता को दोबारा लोकसभा का उम्मीदवार बना के भेजा है। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। बाकी कोई माँ बेटा बेटी की पार्टी है, कोई व्यक्ति की पार्टी है, कोई परिवार की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। अजमेर लोकसभा क्षेत्र के सभी नेता कार्यकर्ता सबका मुझे सेवा आशीर्वाद मिल रहा है और जनता का भी अपार आशीर्वाद मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी अब की बार राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी और अजमेर लोकसभा क्षेत्र से भारी बहुमत से आशीर्वाद देकर कार्यकर्ताओं के बलबूते पर और जनता के आशीर्वाद से जीत के मुझे फिर दोबारा संसद में भेजेंगे और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे और ये देश विकसित राष्ट्र बनेगा, ये देश संपन्न राष्ट्र बनेगा, खुशहाल राष्ट्र बनेगा। भारत माता की जय। भाजपा संगठन ने आपको दूसरी बार मौका दिया है, पहला कार्यकाल आपका शानदार रहा, दूसरे में किस तरह की अपेक्षाएं जनता आपसे कर सकते हैं? देखिए, पिछले कार्यकाल में एक वैश्विक महामारी आ गई थी, कोरोना काल आ गया था, इसलिए कई काम जो कर रहे थे शायद वो काम हो नहीं पाए। अब जो 2024-29 तक जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे लग रहा है कि जनता दे रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि अजमेर लोकसभा क्षेत्र में चाहे सड़क हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पानी की हो, चाहे चिकित्सा की हो, चाहे पर्यटक की हो, हर क्षेत्र के अंदर जो चौमुखी विकास है वो होगा। सबसे पुष्कर राज है, उसको मेहरता से रेल लाइन से जोड़ना, जो पुष्कर जो उज्जैन कॉरिडोर जैसे बना है वहाँ पुष्कर में भी कॉरिडोर बने और जितने भी स्टेट हाईवे वो सारे नेशनल हाईवे बनकर, मैं कह रहा हूँ कि ये अजमेर लोकसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए कार्यकर्ता हम और हमारे शिष्ट नेतृत्व मिलकर काम करेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे।